नेल पर न्यूज़पेपर जैसी प्रिंट करने के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आप नेल पॉलिश लगा लें। ये मैंने 10 मिनट पहले लगाई है, हल्की हल्की सूख गई है ये। इसके लिए फिर हम इसके बाद करेंगे, न्यूज़पेपर ले लेंगे। न्यूज़पेपर में हम ऐसी जगह से कटिंग करेंगे जहाँ पर बहुत सारा, जैसे ये लिखा हुआ है, बहुत सारा लिखा हो और अच्छे से प्रिंट हो वो, उसको हम अपने नेल्स के हिसाब से काट लेंगे। जितने बड़े आपके नेल्स हैं उस हिसाब से आप काट लीजिए न्यूज़पेपर को, ऐसे करके इतना बड़ा न्यूज़पेपर काट लीजिए मेरा, इस पर लिखा हुआ है। और उसके बाद आप एक कटोरी में पानी ले लीजिए, इस न्यूज़पेपर को आप पानी में डाल दीजिए, ऐसे करके आप जैसे मेरे ये अभी 4 नेल्स बचे हैं तो इनके लिए हम 4 पीस करके इसमें डाल देंगे। इनको ठीक से पानी में डुबो दीजिए। इनको पानी में डुबोने के बाद, ये हमने सबसे पहले डुबोया था, इसको फिर आप अपने नेल्स पे इस तरीके से रखिए और हल्के हाथों से इसको प्रेस कीजिए, कम से कम 10 सेकंड तक इसको प्रेस करते रहिए ताकि इसका प्रिंट हमारे नेल्स पर आ जाए। ये देखिए इसका प्रिंट हमारे नेल्स पर आ चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे को भी कर लेंगे। ये देखिए इस पे भी प्रिंट आ चुका है। नेल पॉलिश तुरंत लगाने के बाद न्यूज़पेपर कभी मत रखिएगा, नहीं तो आपकी नेल पॉलिश भी ख़राब हो जाएगी और नेल्स को आपको दोबारा से नेल पॉलिश लगाना पड़ेगा। इसलिए जब नेल पॉलिश आप लगाएं तो उसके कम से कम 10 मिनट बाद इसको न्यूज़पेपर को उस पर प्रेस करें। ये देखिए इस पर प्रिंट आ गया है, ये देखिए। इसी तरीके से हम लास्ट वाले नेल को भी ऐसे कर लेंगे। और ध्यान रहे, जैसे कि आपने इस पे सीधा न्यूज़पेपर लगाया है कि ऐसे करके रीड कर सकते हैं आप इधर से ऐसे ऐसे, वैसे ही सब में एक ही तरफ को लगाना है न्यूज़पेपर ताकि सारे वर्ड्स सीधे दिखाई दे। ये देखिए इस पे भी प्रिंट आ गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे और नेल आर्ट सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंट नेल
पेंट लगा लेंगे ताकि इसका जो प्रिंट है वो छूटे नहीं। थैंक यू।